नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सफ़ेदों के एमआई स्टोर की ये तस्वीरें हैं। और रात को 11 बजे, जी हाँ, रात को 11 बजे इस स्टोर में अचानक धुआं निकला और पड़ोसियों ने आनन-फानन में पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी। पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड 5 मिनट में बताई जा रही पहुंचे। और हमारे जुझारू पत्रकार अरुण अरोड़ा मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरा घटनाक्रम को कवर किया। और वहाँ पर जो मालिक है, पुलिस कर्मचारी थे, उनसे भी बात की। क्या रही मुख्य बातें, आइए आपको सुनवाते हैं। ये देखिए, पुलिस वाला खुद पाइप लेके लगे हुए हैं। ये देखिए, कुछ एलईडी आग लगने के बाद पुलिस के द्वारा निकाल ली गई थी और ये दुकान के मालिक की गाड़ी में रखी जा रही है। ये भाई साहब, आपने देखी थी पहले आग? जी। और फिर आपने क्या किया? मैंने फोन किया जी। किसको पहले किया? अपना ये जो नंबर है शॉप पे लिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 100 नंबर पे किया जी। 5 ही मिनट में फायर ब्रिगेड आ ली, 5 मिनट में पुलिस आ ली। जी जी जी। उसके बाद ये प्रशासन खड़ा ही है सारा, ये संभाल लिया काम हो गया। अभी भी अंदर आग लगी हुई है, अंदर अभी भी आग है। ये देखिए, अभी भी अंदर आग है पूरी। भैया, हम आपके इस दुख के टाइम में बिल्कुल साथ हैं, आपके कंचन टीवी आपके साथ है। आपको कैसे खबर लगी? मेरे को यहाँ पे जो रवि है ना, ये रवि लवली हेयर सैलून, इन्होंने फोन किया था मुझे। जी जी। कि यहाँ पे भैया ऐसे ऐसे धुआं निकल रहा है। जी जी। तो इन्होंने कहा कि ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो इन्होंने कहा कि ताला तोड़ दो यार। जी जी। ठीक है, तब तक मैं आया यहाँ पे, फायर ब्रिगेड वगैरह सब कुछ आ चुके थे। तो लगभग कितना आइडिया, कितना नुकसान हुआ है लगभग? लगभग ये लगा के चलो आप 24 से 25 लाख के आसपास। 24 से 25 लाख का नुकसान हुआ है जैसे कि बता रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कृष्णा है जी। क्या जी? कृष्णा। कृष्णा जी बता रहे हैं कि कम से कम 24 से 25 लाख का नुकसान हुआ है। हमारे पास तो अभी उनका फोन आया था, चौकीदार का फोन आया था, ठेके वाला फोन आया था, तभी हमारे पास 2 मिनट में इधर आ चुके थे। अंदर से दिखाता हूँ, ये देखिए क्या कितना विकराल रूप लिया था आग ने, कि पूरा का पूरा अभी भी गर्मी महसूस कर रहे हैं हम लोग, कि कितना गर्मी है अंदर। और ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बने रहिए कंचन टीवी के साथ।